सांस्कृतिक कार्यक्रम तो मेरे हर इवेंट का एक हिस्सा होता है, फिर भी देखिए हमारा, हम जिस दिन आए थे उसी दिन मेरा जाना तय था और वो आज पूरा हो गया। 18 महीने आपके बीच रहे और मैंने पूरा एंजॉय किया, मैंने पूरी तरह से वादा की इस पोस्टिंग को एंजॉय किया, आप लोगों की सेवा करने के लिए धन्यवाद। मैंने एक नए स्टाइल में यहाँ गवर्नेंस किया है। इन जनरल देखा जाता है कि जनता और गवर्नमेंट और गवर्नेंस, मतलब हमारा जो जिला प्रशासन, उसके बीच दूरी रहती है। इस दूरी को हम पाटने में कामयाब हुए हैं। हमारा भी लोगों से लगाव है और मैं पूरे तन मन धन से ये सोचता हूँ और ये मेरा भाव भी है कि जो भी कुछ हम लोगों ने किया है आगे बढ़ाए और लोगों के जीवन में खुशहाली लाए। मंच में आप कलाकारों के साथ नाचे भी, तो ये कार्यशैली आगे भी जारी रहेगी। देखिए ये तो हमारी औपचारिकता होती है जब भी हम लोगों को स्टेज पे बुलाया जाता है, और कलाकार कुछ भी कहता है तो हम उसे मना नहीं करते हैं। हमारा कलाकारों को सम्मान देना हमारा पहला फर्ज है, तो कलाकारों के साथ नाचने का अर्थ था उनको सम्मान देना। ये कार्यशैली आगे भी जारी रहेगी? बिल्कुल जारी रहेगी। हम तो कला को लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से नहीं लिया, लोग कला को केवल इंटरटेनमेंट मानते हैं। मैं कला को दवाई मानता हूँ। हर आदमी के अंदर नाचना गाना बजाना आना चाहिए, इससे वो रिफ्रेश होता है, उसके व्यक्तित्व की निगेटिव ऊर्जा निकलती है और वो बीमार नहीं होता, हेल्दी रहता है। तो मैं सांस्कृतिक कार्यक्रम को हेल्थ हीलर मानता हूँ।